हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप इस तरीके से नाश्ता घर पे बनाते हैं तो यकीन मानिए बच्चे बाहर का नाश्ता खाना छोड़ देंगे। तो ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ले रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे, एक चम्मच चिली फ्लेक्स और एक चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई है तो इन में से मैं चार चम्मच अलग एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, उसमें चार ही चम्मच पानी डालकर इसको अच्छे से मिला देंगे। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में एक चम्मच के करीब मैंने तेल डाल दिया है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे और जब जीरा हमारा अच्छे से चटकने लगेगा तब इसमें एक मीडियम साइज आलू को कद्दूकस कर लिया था और दो तीन पानी से अच्छे से धो के इसके सारे पानी निकाल दिए थे उसे डाल देंगे और दो मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम दो कटोरी के करीब पानी डालेंगे। जैसे हमने एक कटोरी सूजी लिया था तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी पानी ले रही हूँ। अब जब पानी हमारा हल्का गर्म होने लगेगा तो हम सूजी इसमें डाल देंगे और लगातार इसको इस तरीके से चलाएंगे। गैस को मैंने धीमा कर दिया है बिल्कुल और इस तरीके से चलाएंगे तो थोड़ी देर के बाद हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल इस तरीके से दिखने लगेगा। जब इस तरीके से दिखने लगेगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसमें एक चम्मच के करीब हम तेल डाल देंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ये बिल्कुल आटे की डो की तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाता है, इस तरीके से आप मिक्स कर दें अच्छे से और जब आप तेल डालेंगे तो हाथों में भी नहीं चिपकेगा। और ये नाश्ता बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, खुला बना लेंगे। तो हमने पूरे नाश्ते को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और जो मैंने तीन चम्मच सूजी लिया था उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे। तो और इसमें एक चम्मच हमने यहाँ पर मैदा ऐड कर दिया है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारी एक अच्छी एसलरी तैयार हो जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। तो इसे साइड में रखते हैं और जो हमारा मिक्सचर था उसको एक चकले पे रखेंगे और अच्छे से हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है, थोड़ा सा इसे मोटा ही रखें। तो आप देख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे और साइड से हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। इसको हम दोबारा भी यूज कर लेंगे, बेल के हम फिर से बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से मैंने कट कर दिया है। अब आप चाहें तो आप कोई और शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिंगर शेप में इसे कट कर रहे हैं तो इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से उठा लेंगे और जो हमने एसलरी बना के रखी थी उसमें डिप करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से डिप करने के बाद और एक चम्मच की सहायता से हम इसको उठा के, तेल मैंने पहले से रख दिया था गरम होने के लिए और तेल जब आपका अच्छे से गरम हो जाए तभी आप नाश्ता डालें। अगर तेल हमारा ठंडा होता है तो ये जो नाश्ता है तेल ज़्यादा सोख लेता है, तो इसलिए तेल जब अच्छे से गरम हो तभी डालें। तो इस तरीके सारे नाश्ते हमने डाल दिए हैं और एक मिनट तक हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। एक मिनट के बाद जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा नीचे से तो हम इसको उलट पलट के बिल्कुल क्रिस्पी कर लेंगे। ये इतना टेस्टी बनता है ना कि बच्चे बाहर का चिप्स कुरकुरे खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये बन गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से सारे नाश्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।